हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक बेहतरीन मिरर लुक के साथ और फ्लावर डिज़ाइन के साथ माइक्रोवेव है जो कि पैनासोनिक का है। पैनासोनिक का ये 28 लीटर आप मान सकते हैं, जैसे 27 भी बोलते हैं, और ये 20 इसका मॉडल है आपका NCTC 64LV मॉडल है। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स है जो कि आपको जानने और इसके बारे में बताने के लिए, इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं जो कि इस माइक्रोवेव को बेहतरीन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इस माइक्रोवेव के डिज़ाइन की। तो ब्लैक कलर का ये डिज़ाइन है, मिरर लुक के साथ है और साइड से इसके एग्जॉस्ट दे रखा है। इसमें ऊपर से भी आपका पूरा प्लेन है जो इसकी बॉडी होती है, और बैक साइड में इसमें एक आपको कंटेनर टाइप का बना रखा है, इसको बोलते हैं कंटेनर। अब होता क्या है फ्रेंड्स, इसके बैक साइड में यहाँ पे फैन रहता है माइक्रोवेव के बैक साइड में। तो जब भी आप इस माइक्रोवेव को कहीं पे रखते हैं, और आप माइक्रोवेव के ऊपर कोई बर्तन वगैरह रखते हैं, क्योंकि घर में मोस्टली क्या होता है, हम माइक्रोवेव तो यूज़ कर लेते हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोवेव के ऊपर हम कोई बर्तन स्टे कर देते हैं। अगर वो पानी वाला बर्तन हो और गलती से पानी माइक्रोवेव के पीछे गिर जाता है, तो पानी यहाँ पे जाकर डायरेक्टली आपके नीचे जाएगा, माइक्रोवेव के नीचे, ना कि आपके डायरेक्टली एग्जॉस्ट फैन पे पड़ेगा। तो यहाँ पे पीसीबी ख़राब होने का इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसकी वोल्टेज वगैरह की, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं, तो ये जो है आपका 1450 वॉट का इसका हीटिंग एलिमेंट होता है। खाली वेव अगर करना हो तो 1400 वॉट का होता है, और 2400 वॉट का इसका कन्वेक्शन फैन होता है। यानी तीन होते हैं इसमें, सोलो, ग्रिल और आपका कन्वेक्शन। सोलो क्या होता है, जिसमें कि आप खाली गर्म कर सकते हैं, एंड ग्रिलिंग क्या होता है, जिसमें आप तंदूरी पर्पज़ काम कर सकते हैं, एंड जो ये होता है आपका, ये कन्वेक्शन बेस होता है। ठीक है फ्रेंड, इसका मॉडल नंबर जो पूरा है NNCT 64LV FDG इसका मॉडल है। ठीक है फ्रेंड, मिनिमम वोल्टेज जो होती है इसकी 900 वॉट के करीब होती है। ये इसका पूरा प्रॉपर बैक साइड का एग्जॉस्ट है। तो चलिए इसके पैनल की बात कर लेते हैं। अब ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले पैनल आता है, जहाँ पे कि आपका टेम्परेचर वगैरह शो करता है, प्रोग्रामिंग वगैरह शो करता है। अब इसके यूजेस की बात करेंगे, तो इसके यूजेस में सिंपल है, ये आपका माइक्रो पावर ऑप्शन है, और ये ग्रिल और ये कन्वेक्शन। माइक्रो पावर में क्या होता है, माइक्रो पावर में आप मेनली जो हीटिंग और बॉइलिंग वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पुश करके बना सकते हैं। ये टच वाला है पूरा, आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ग्रिल में क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रिल में आप तंदूरी पर्पज जितना भी सैंडविच वगैरह या फिर रोस्टिंग करना, वो सब चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अगर केक बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, बिस्किट वगैरह बनाना है, नाल अच्छा पराठा बनाना है, तो उसके लिए कन्वेक्शन एंड कॉम्बी वाला ऑप्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, बेकिंग का काम होता है, कॉम्बी में आपका प्रॉपर जो ब्राउनिंग चाहिए होती है एक केक के लिए, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, तो कॉम्बी में आप कर सकते हो, क्योंकि कॉम्बी में आपका प्रॉपरली आपका कन्वेक्शन वगैरह और हीटिंग एलिमेंट वगैरह सब चीज़ चल जाता है। कुछ भी इसमें आता है, और प्लस इसमें टाइमर क्लॉक भी आता है, रीहीट का फंक्शन भी है फ्रेंड्स इसमें। रीहीट में क्या होता है, आप किसी भी ठंडे खाने को दोबारा से गर्म कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर लेता है। मेन डिशेज होगी फ्रेंड्स, ये जो डिशेज के है, ये डिशेज के नाम है, डेजर्ट, केक, कुकिंग। अब ये होते क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये पैनल पे ही इसके माइक्रोवेव के अंदर पे यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं। इसमें रीहीट मेन्यू लिख रखे है, आपके मेन एंड आपकी साइड डिशेज लिख रखी है, एंड सूप एंड स्नैक्स लिख रखे हैं। ये वो वाले डिशेज है जो आप बना के इसके अंदर रखते हो और इन वाले पॉइंट्स पे लगाते हो, जैसे कि सूप और स्नैक्स था आपका। ठीक है, सूप और स्नैक्स ये रहा आपका। ठीक है, ये मेन साइड डिशेज, तो यहाँ पे आपका आया था मेन साइड डिशेज, ये दोनों आपका मेन साइड डिशेज है। यानी जो भी आइटम आप इनमें से बनाओगे, जैसे कि इसमें आपका कुक वेजिटेबल है, स्टीम फिश है, पोटैटो करी है, तो जैसे ही आप बनाते हो प्रोडक्ट, इसके अंदर रखो और डायरेक्टली यहाँ पे इन फीचर्स को दबा दो, और यहाँ पे आप टेम्परेचर अपने हिसाब से ही कम ज़्यादा कर सकते हो, अप एंड डाउन। ठीक है, 101 ऑटो कुक मेन्यू होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप रीसेटों का ऑप्शन भी इसमें होता है। टाइमिंग यहां से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, 10 मिनट, 1 मिनट एंड 10 सेकंड। ये तीन टाइमिंग होती है, 10 मिनट, 10 सेकंड। 10 सेकंड क्या क्या मतलब है कि 10 सेकंड सिर्फ हीटिंग के लिए होती है, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा खाना होता है हमें जो खाली गर्म करना पड़ता है कम से कम समय में, तो 10 सेकंड के अंदर भी ऐसा कोई खाना होता है जो कि गर्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, बात करेंगे इसके इंटरनल कैविटी की। तो कंपनी इसमें जो दे रही है आपको, कंपनी इसमें 100% स्टेनलेस स्टील कैविटी दे रही है, और इसकी जो गहराई है आदर्श के मुकाबले बड़ी है। इसको कंपनी 27 लीटर बोलते हैं, और 28 लीटर के बराबर ये होता है।
स्टेनलेस स्टील कैविटी है, इसमें जो रॉड आती है हीटिंग रॉड, एक तो सामने आती है और एक ऊपर की साइड आती है, यानी दो आती है, यानी ये ऊपर भी और नीचे भी दे रही है, जिसकी वजह से आपकी हीटिंग परफेक्ट होती है और सामने आपका कन्वेक्शन फैन है। तो फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी जल्दी खाने को प्रॉपरली बनाएगा, ये इसके फ़ायदे हैं। ऊपर भी इसमें मेन्यू थे और इसमें आपको नीचे भी मेन्यू दे रखे हैं। एक्सेसरीज की बात करेंगे तो इसमें जिसमें कि आपका हाई रैक और लो रैक होता है, और एक आपकी टर्न टेबल देती है जो कि आपकी जिसमें आप रख के बना सकते हैं खाना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे है, ये है ऐसे रख के आप इसमें बना सकते हैं, ये है आपका टर्न टेबल का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यही एक्सेसरीज इसमें आती है, एक ग्रिल स्टैंड, दो ग्रिल स्टैंड आते हैं, एक टर्न टेबल आती है। तो कंपनी इसमें वारंटी क्या देती है? कंपनी इसमें टोटल 1 ईयर की वारंटी देती है। ये था आपका पैनासोनिक का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।